हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत दिन बाद मैं ये फेसकैम वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन से मुझे लोग कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि आप कौन सा कॉलर माइक यूज़ करते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने कॉलर माइक के बारे में बताऊँगा कि मैं कौन सा कॉलर माइक यूज़ करता हूँ, कहाँ से मैंने इसे परचेस करा, कितने रुपये का ये माइक है, और ये माइक आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक यूट्यूबर हो, अबे पहले तू बुलेट लिया यार। हाँ, तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपकी वीडियो क्वालिटी से ज़्यादा आपकी साउंड क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि दोस्तों, मान लीजिए आप जो है बहुत अच्छी जगह पर वीडियो शूट करते हैं, आपका बैकग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन दोस्तों आपकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं आती। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी वीडियो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, आपकी जो वीडियो है वो बेकार लगेगी। और दोस्तों, इसकी जगह अगर आप जो है कहीं पर भी वीडियो शूट कर लेते हैं, आपका जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है, तो यहाँ पर लोग जो है आपकी वीडियो को देखना पसंद करेंगे और आपकी वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनको जो साउंड क्वालिटी है वो सही से सुनाई देगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं माइक के बारे में। तो ये माइक मैंने ख़रीदा था अमेज़ोन से। दोस्तों, ये माइक मुझे पड़ा था लगभग 300 रुपये का, 240 रुपये इसकी प्राइस थी और 50 या 60 रुपये इस पर डिलीवरी चार्जेस लगे थे। तो कुल मिला के ये माइक मुझे पड़ा था दोस्तों 300 रुपये का, और इसकी साउंड क्वालिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि इसकी साउंड क्वालिटी में थोड़ी सी घरघराहट आ रही है दोस्तों, थोड़ी सी ख़राब इसकी साउंड क्वालिटी हो गई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस माइक की डोरी जो है वो थोड़ी बहुत कट गई है दो जगह से, क्योंकि दोस्तों मेरी जो बिल्ली है उसने इस माइक को खा लिया है। दोस्तों, वैसे तो इस माइक को कुछ भी नहीं हुआ था अभी तक, ये माइक बहुत ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन दोस्तों मेरी जो बिल्ली है वो सारी डोरियाँ जो है वो खा जाती है, वो USB केबल की डोरी खा जाती है, वो ईयरफोन की डोरी खा जाती है, और उसने क्या करा, मेरी इस माइक की जो डोरी है वो दो जगह से काट दी है, जिसकी वजह से दोस्तों आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पर आप इसकी साउंड क्वालिटी चेक कर सकते हैं, और आप मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं, अभी तक मैंने दोस्तों इसी माइक से जो है रिकॉर्डिंग करी है। दोस्तों, जब मेरे 200 सब्सक्राइबर थे, जब से मैं इस माइक को यूज़ कर रहा हूँ और मुझे 1 साल हो गया इस माइक को यूज़ करते हुए। तो अगर आपको इसकी साउंड क्वालिटी अच्छे से चेक करनी है तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो जब मैंने इस माइक को मंगाया था और जब मैंने इस माइक की अनबॉक्सिंग करी थी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। दोस्तों, यहाँ पर जो है इसके साथ एक ऑडियो फिल्टर भी आया था जो कि खो गया है, और यहाँ पर इसकी साउंड क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो गई है क्योंकि इसकी डोरी जो है थोड़ी सी कट गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सही बताता हूँ, दोस्तों ये माइक जो है नए यूट्यूबर्स के लिए बेस्ट माइक है, क्योंकि दोस्तों 300 रुपये में इससे ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी कोई भी माइक नहीं दे सकता। और दोस्तों, इस माइक की सबसे बढ़िया बात यह है कि ये माइक हर फोन में काम कर जाता है, यानी कि इसके लिए आपको कोई भी ऑडियो स्प्लिटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके फ़ोन में डायरेक्ट काम कर जाता है। बस यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है जिसका नाम है फुटेज कैमरा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है इस माइक की लिंक मैंने दे दी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और इस माइक की लिंक मैंने इसलिए दी है ताकि आप जो है सही चीज़ खरीद पाएँ। दोस्तों, अगर आप खुद जाके अमेज़ोन से बाय करेंगे तो हो सकता है कि वो माइक आपके फ़ोन में वर्क ना करे। तो दोस्तों, अब मेरा मानना यह है कि आप अगर नए यूट्यूबर हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा महंगी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग ये समझते हैं, ये सोचते हैं कि हमें जो है बेस्ट माइक लेना है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से यहाँ पर बेस्ट कोई भी चीज़ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आप अगर बेस्ट चीज़ को खोजेंगे तो यहाँ पर आपको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। दोस्तों, बेस्ट वही चीज़ होती है जो कि आपको कम पैसों में अच्छी खासी क्वालिटी दे। और दोस्तों, ये माइक जो है काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, और साउंड क्वालिटी भी इसकी अच्छी खासी है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, ज़्यादा बुरी भी नहीं है, ठीक ठाक साउंड क्वालिटी है दोस्तों इसकी। और दोस्तों, मेरा मानना यह है कि अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो आपको इससे ज़्यादा पैसे यूट्यूब पर नहीं खर्चने चाहिए, और जब आप यूट्यूब से हर महीने 10 या 15 हज़ार रुपये कमाने लगते हैं तो उसके बाद आपको सोचना चाहिए कि आपको महंगा माइक लेना है या नहीं। और दोस्तों, फिलहाल जो है मैं भी 1 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ, इस माइक को यूज़ कर रहा हूँ, और ये माइक अब थोड़ा सा ख़राब हो चुका है क्योंकि मेरी बिल्ली ने इसकी जो है डोरी काट दी है। तो अब मैं जो माइक मंगाऊंगा वो भी मैं यही माइक मंगाऊंगा दोबारा, क्योंकि दोस्तों इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है पैसों के हिसाब से, और मुझे लगता है कि मुझे अभी इससे ज़्यादा महंगा माइक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब से इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा हूँ। और जब तक आप यूट्यूब से ज़्यादा पैसे नहीं कमाते हैं, जब तक आपको यूट्यूब पर ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, बस यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप नए यूट्यूबर हो तो ये आपके लिए बेस्ट चीज़ है पैसों के हिसाब से, और यहाँ पर आपको ज़्यादा महंगी चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएगा, क्योंकि मेरी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है मेरे सब्सक्राइबर के पास वो नहीं जा रही है, तो बेल आइकन जरूर दबाएगा, नहीं तो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट नहीं मिलेगी। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।